जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। हम बला नहीं है, हम जिन्नात हैं, तुम्हारे गुलाम हो गए हैं। ऐ आका जलाल, आपके इस गुलाम का नाम जिने दौलत है, आप हुक्म कीजिए, मैं हर रात आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। आका बिलाल, आपके इस गुलाम का नाम जिन्ने रियासत है, आप हुक्म कीजिए, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी, हमें आपसे डर लगता है। गुलामों से डर क्या, गुलाम तो आका से डरते हैं। हमें हुक्म दो आका। खुदारा, हमें हुक्म दो आका। हमें हुक्म दो आका, हमें हुक्म दो आका। हमें हुक्म दो आका, हुक्म दो आका। खुदारा, हमें हुक्म दो आका। आका, मुझे हुक्म दो आका। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जो हुक्म, जो हुक्म मेरे आका। आका की बरात, वो देखो, खाना तुम्हारे इंतजार में ठंडा हो रहा है। हाँ, खाना तो लग गया है, मगर जमीला कहाँ है? जमीला, अरे ओ जमीला, क्या कर रही हो? बाहर आओ। कहाँ थी तुम? अच्छा, मैं कहाँ थी या तुम कहाँ थे? अरे कब से खाना लगा के रखा है? अच्छा चलो जल्दी खा लो। हाँ भाई लाओ, जल्दी से खिलाओ, जरा देखें मुर्गे सादत का क्या मजा होता है। लेकिन मुर्गे सादत तो है ही नहीं यहाँ पे। कहाँ गया वो मुर्गे सादत? मैंने उस लाल परिंदे को दबा करके पकाकर यहीं रखा था। पकाया था तो कहाँ गया? पकने के बाद क्या मुर्गे सादत उड़ गया? आका, मुर्गे सादत उड़ा नहीं है, बल्कि कोई दस्तरखान पर दावत उड़ा गया है। वो देखो, मुर्गे सादत की हड्डियाँ। नादान औरत, तू मुर्गे सादत को पकाकर अंदर क्यों गई थी? मैं क्या करती, मुर्ग को जबा करते हुए उसका खून मेरे कपड़ों पे लग गया था। डर के मारे मैं पकड़ी न जाऊं, इसलिए कपड़े तब्दील करने के लिए मैं अंदर गई हुई थी। इसी दौरान कोई आकर मुर्गा खा गया होगा। मगर यहाँ कौन आ सकता है? हाँ, जरूर जलाल और बिलाल ही आए होंगे, वो ही आकर ये खा गए होंगे। वो जरूर अपने कमरे में होंगे, चलो उन्हें चलकर देखते हैं। देखो, मुर्गे सादत की दावत को उड़ाकर कैसे आराम से सो रहे हैं।
अभी मैं इनकी खबर लेती हूँ। क्या गजब करती हो, उन्हें सोने दो, अच्छा मौका है। सोते हुए में उन्हें मारना और भी आसान काम है। क्या मतलब? इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुर्गी सादत तो जान से हाथ धो बैठा और अब हमारी जान भी खतरे में है। चलो वो हमारे बारे में क्या साजिश करते हैं वो सुनते हैं। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मुर्गे सादत के टुकड़े जलाल और बिलाल के पेट से निकालने के लिए ये काम जरूरी है। नहीं जिब्रान, पहले तुमने मेरे हाथों उस नायाब परिंदे को जबा करा दिया और अब जलाल और बिलाल को भी। जलाल और बिलाल तुम्हारे सगे बेटे तो नहीं? तुम उनकी सौतेली माँ हो। मगर वो मुर्गे सादत के टुकड़े तुम्हारे किस काम के? अरे अरे, वो तो हजम भी हो चुके होंगे। मुर्गे सादत किस में मुर्गे है? उनका कोई भी टुकड़ा कभी हजम नहीं होता, और जब तक वो टुकड़े खाने वालों के पेट में रहेंगे तब तक जीत में उसके कब्जे में रहेंगे। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है जिब्रान। ये काम तुम खुद ही कर लो। मेरी बहन, अगर ये काम मेरे हाथों से मुमकिन होता तो मैं तुम्हें ये तकलीफ कभी न देता। ऐ मेरे आका की हमशीरा, ये काम किसी औरत के हाथों से ही होना चाहिए। और जमीला मेरी बहन, मैं तुम्हारे अलावा इस काम के लिए दुनिया की किसी औरत पर भरोसा नहीं कर सकता। कोई भी औरत एतबार के काबिल नहीं है। मगर दो बच्चों को कत्ल करने की हिम्मत मैं कहाँ से लाऊं? ये काम मैं अपने जादू, अपने तिलिस्म से कर सकता हूँ, और तुम्हें शैतानी हिम्मत समा जाएगी। वो कैसे? मैं तुम्हें एक तिलिस्मी खंजर देता हूँ। ये खंजर जैसे ही तुम्हारे हाथों में पहुंच जाएगा, तुम्हारे दिल से ममता, प्यार, डर, खौफ सब निकल जाएंगे। तुम संग दिल और जालिम बन जाओगी। तुम्हें खून करने में और खून बहाने में मजा आने लगेगा। जिब्रान, मेरे हाथ खून से रगने को तड़प रहे हैं। अब देखो मैं कैसे जलाल और बिलाल को जबा करके और उनका पेट चीरकर तुम्हें वो मुर्गे सादत के टुकड़े देती हूँ। अरे जलाल और बिलाल तो यहाँ नहीं है। अभी अभी तो यही सो रहे थे, कहाँ गए? Ugh!
आसान है और ये रास्ता बहुत मुश्किलों वाला है। इसका मतलब है ये डोरा दो अलग अलग मुल्कों को जाता है, मगर हम कहाँ जाएं? बिलाल, हम घर से भाग आए हैं और अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, इसलिए हम यहाँ से जुदा होंगे। तुम आसान रास्ते पर चलो और मैं उस मुश्किल रास्ते को अपनाता हूँ। मगर हमारे पास चंद दिनार के सिवा कुछ भी नहीं है। वक्त ने जिस दोराहे पर ला खड़ा किया है, यहाँ से हम अपनी अपनी किस्मत आजमाने को निकल पड़ते हैं। किस्मत में जो दौलत होगी तो फिर मिल जाएगी। खुदा हाफिज मेरे भाई। खुदा हाफिज। अच्छा चलते हैं। अच्छा ठहर जाओ बच्चों, ठहर जाओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? लड़कों, इन रास्तों पर जाना चाहते हो? हाँ, मगर पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। मैं खादिम खिर्ज हूँ। मैं इन रास्तों पर आगे बढ़ने वालों की रहनुमाई करता हूँ और उन्हें जता देता हूँ कि ये रास्ते आसान और मुश्किल ही नहीं, बहुत लंबे भी हैं। ये उम्र के रास्ते हैं। इन रास्तों पर चलने वाले बूढ़े अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। जवान इन रास्तों पर चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बूढ़े हो जाते हैं। लड़के इन रास्तों पर चलकर जवान होकर अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। मगर ऐसा क्यों बाबा? जिंदगी का सफर शुरू करने का सही वक्त लड़कपन ही है, और तुम दोनों सही वक्त पर सफर की शुरुआत कर रहे हो। इंशाअल्लाह जवानी में ही मंजिल को पा लोगे। जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे। जिन्हें दौलत तो जिन्हें रियासत, इन नाबालिग बच्चों ने मुल्क सआदत खा लिया है और हम इनके गुलाम बन गए हैं। गुलाम बनना हम जैसे जिनों की किस्मत है, क्या तुम्हें अपने गुलाम बनने पर अफसोस है? अफसोस तो है, मगर अपने गुलाम बनने का नहीं, क्योंकि हम जैसे जिन अपने आका की खिदमत करके खुश होते हैं। फिर किस बात का अफसोस? इस बात का अफसोस है कि हमारे होते हुए हमारे ये नन्हे आका इतने मजबूर हैं। मगर जब तक ये बालिग और जवान नहीं हो जाते, न मैं इन्हें दौलत दे सकता हूँ, न तुम इनको दौलत दे सकते हो। लेकिन इनको इनका हक तो दे सकते हैं जो इनकी माँ ने इनसे छीन लिया है। तुम शायद मुर्गे सादत के उन दो अंडों की बात कर रहे हो जो लोहा, तांबा, पीतल को सोना बना देते हैं। मुर्गे सादत के अंडे भी हमारे आकाओं को मिलने चाहिए। तो चलो चलकर हमारे आकाओं की सौतेली और मक्कार माँ से वो अंडे हासिल करते हैं। चलो चलो।
तूने फिर टेटे टेटे किया। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता, देख रहा है ना, कुछ सोच रहा हूँ। मैं भी तो सोच रहा हूँ। मुर्गे सादत तो हाथ से निकल गया, बाकी रह गया तो ये कमबख्त तोता। मैं काम के बाद बताऊँ आका। आका आका बता बता, क्या बताना चाहता है? क्या मुर्गे सादत दिलाना चाहता है? नहीं आता, इस वक्त तो मुर्गे सादत नहीं मिल सकता, मगर मुर्गे सादत के अंडे जरूर मिल सकते हैं। मुर्गे सादत के अंडे? क्या बकवास कर रहा है परिंदे? सच कह रहा हूँ आका, मुर्गे सादत ने दो अंडे दिए थे। आप नहीं जानते आका, वो अंडे बड़े काम के हैं। तांबा पीतल या लोहे को छूने तो वो सोना बन जाता है। सोना बन जाता है, पर वो अंडे है कहाँ? उन तिलस्मी अंडों को देखना चाहते हो आका? हाँ। तो मेरे आँख में देखिए, देखिए कहाँ रखे हैं। अगर ये अंडे तो जमीला के पास है और उसने मुझे खबर तक नहीं की। मेरे आका, उसने ये अंडे जलाल और बिलाल से छिन कर छुपा रखे थे। जमीला मुझसे भी मक्कारी करने लगी। आखिर बहन किसकी है? चुप बैठ मर्दूद, अपने आका को मक्कार कहता है। मैं तो चुप बैठ जाता हूँ, पर आप चुप नहीं बैठ सकते। कुछ सोचिए, कुछ कीजिए मेरे आका। मैं वो अंडे हासिल करूंगा, जरूर हासिल करूंगा। मुर्गे सादत तो सही, उसके अंडे ही सही। चलो जमीला की खबर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? शायद ये संदूक जादू का है। मैं तिलिस्मी अंडों को
इसमें से निकाल लेती हूँ। आ, 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 आ,